अकोला अकोला से बोल रहा हूँ। हमारा ये एक एनआरसी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम है। ये एनआरसी सीड वैरायटी जो हमने आईआईएसआर से ली थी, तो उसी का ही हम यहाँ पे पर्टिकुलर डेमो देख रहे हैं कि कैसा इसका रिजल्ट रहा। इस साल 2023 में इसका फील्ड लेवल पे जो हमारा जो रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट रहा है, उसके बारे में हमारे बीच में डॉक्टर विनीत जी हैं, तो ये अपने को बताएंगे। तो हमें बताइए, ये वैरायटी आपने कब लगाई थी? 28 जून को लगाई थी। 28 जून को लगाई थी। इस समय जो परफॉर्मेंस आ रही है, जो फलियों की आप संख्या देख रहे हैं, फलियां भर चुकी है, दाना पूर्णतया बैठ चुका है, तो आप इसका उत्पादन क्या आंकलित कर रहे हैं? मेरे को सर एक एकड़ में 10 क्विंटल आने को होना। हाँ, तो यदि एक एकड़ में 10 क्विंटल, तो आपके आंकलन के हिसाब से आपको 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलने वाला। हाँ। और वो भी जैविक खेती से। हाँ। यदि ऐसा होता है, हमें इसको जब कटाई के बाद, थ्रेशिंग के बाद आप कंपनी को बताएंगे, कंपनी हमें बताएगी, तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हमें बताइए कि इसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट या फंगल डिजीजेस, फफूंद की बीमारियां तो नहीं आई थी? नहीं सर, ये साल इस पर कुछ भी नहीं दिखा मेरे को। और ये ज्यादा बारिश होने की वजह से इसमें एक दिन पानी रुका हुआ था क्रॉप में। और सारा कुछ जो है आपने जैविक विधि से किया। धन्यवाद। धन्यवाद।